हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लासिक्स हिंदी से चैप्टर 4 की कविता। कविता का अर्थ, जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म मुजफ्फरनगर में तथा शिक्षा देहरादून और प्रयागराज में हुई। ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे तथा इनकी शैली अंग्रेजी कवि का एजारा पाउंड से प्रभावित है। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बच्चों, प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वह चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, पर थोड़े तिरछे से नजर आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्ठा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। बच्चों, वो लड़की कहती है कि चांद से कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वे आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती है। इस तरह कवि ने चांद के प्रति छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मनभावन चित्रण किया है। बच्चों, अब हम यहाँ पर कविता और कविता का अर्थ जानेंगे। कविता है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। इस पंक्ति की कविता का अर्थ है चांद से थोड़ी सी गप्पे। कविता के प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है, यूं तो आप गोल हैं, पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में यानी आकाश में आप अकेले ही गोल मटोल और गोले चिट्टे से अपने आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। कविता की सेकंड पंक्ति है, अपनी पोशाकों को फैलाए हुए चारों सीमा आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गो की वह जिह्वा, आपको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ, चांद से थोड़ी सी गप्पे। कविता के इस पद में लड़की चांद से कहती है, ये जो आप तिरछे से नजर आते हैं अच्छे तो लगते हो, पर हमको आप बेवकूफ ना समझना। हम सब जानते हैं कि आपका ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। कविता की थर्ड पंक्ति है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं तब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इस पंक्ति का अर्थ है, चांद सी थोड़ी सी गप्पे। कविता की इस अंतिम पद में बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।